हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल RS कव्वाली को ज़रूर तेरा ध्यान किधर है? हेलो, अब तो गायब ही हो गए, गजल पड़ गए, कहाँ तो भग गए। गुस्ताखी कर रहे हो तुम मेरी शान में, क्या बात कर रहे हो तबले वाले के कान में? बताइए दो बस। हाँ, अपनी तो जैसे तैसे प्यारी गजल जो मुझे बहुत पसंद है चाचा, मैं वो आप लोगों के लिए खास पेश करना चाहती हूँ। और प्रधान जी, मैं इस गजल में ये चाहती हूँ, पैसे ना दें आप, लेकिन जैसे दिल से मैं इसको पढ़ रही हूँ, उसी तरीके से दिल तक मेरे अल्फाज, मेरे लफ्ज आपके दिल तक पहुँचने चाहिए, क्योंकि बड़े ही दिल से मैं आप लोगों के लिए इसको पेश करी हूँ, इस गजल को। पहले तो कोई भी मोहब्बत हमेशा गलत नहीं होती है, क्योंकि माँ बाप से भी मोहब्बत होती है, भाई बहन से भी मोहब्बत होती है, बीवी शोहर की भी मोहब्बत होती है,
बाकी वगैरह वगैरह तो आप लोग जानते ही हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि जुदाई हर मोहब्बत में है। माँ बाप का बेटा परदेश चला जाता है कमाने के लिए, बेटी है बेचारी ससुराल चली जाती है, और बीवी का शोहर परदेश चला जाता है, बाकी वो तो कभी मिलते नहीं है, वो तो मोहब्बत एक धोखा ही है। लेकिन उसी जुदाई को जिसने जिससे भी मोहब्बत की है, अपने खुदा से भी मोहब्बत है, और मेरे आका दोनों जहां के मालिको मुख्तार, मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से भी मोहब्बत है, सुभान अल्लाह, तो जिसने जिससे भी मोहब्बत की है उसी महबूब को अपने जहन में रखें और मेरी ये गजल सुने, इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा गजल में। तवज्जो जाती हूँ, सुनिएगा। जो ये वक्त जो होता है मोहब्बत के दिनों में जो साथ गुजारते हैं लोग, जैसे कि ये मैंने प्रोग्राम किया है, आप लोगों ने इतनी मोहब्बत से सुना पूरी रात, ये भी हमारी एक मोहब्बत है। सुबह जाने के बाद जिक्र करोगे आप लोग के उसका वल ने ऐसा पढ़ा, उसने ऐसा पढ़ा, याद करता है हर कोई, ये भी एक यादें हैं। तो जाने के बाद, बिछड़ने के बाद किस तरीके से महबूब याद आता है, तवज्जो चाहती हूँ, सुनिएगा सभी सामईन से। Bye.
चाचा गजल तो वो भी कहते हैं प्रधान जी, गजल तो वो भी कहते हैं जिन्हें उर्दू नहीं आती, मगर कागज के फूलों में कभी खुशबू नहीं आती। गजल तो वो भी कहते हैं जिन्हें उर्दू नहीं आती, शेर सुनना। गजल तो वो भी कहते हैं जिन्हें उर्दू नहीं आती, मगर कागज के फूलों में कभी खुशबू नहीं नहीं आती। और मोहब्बत का असर दिल से तेरे कब हो गया शायद, मोहब्बत का असर दिल से तेरे कब हो गया शायद, तेरी बातों में पहले की तरह खुशबू नहीं आती। तेरी बातों में पहले की तरह, पहले की तरह खुशबू नहीं आती। लेकिन चाचा मिलना था इत्तेफाक, बिछड़ना नसीब था। वाह। मिलना था इत्तेफाक, बिछड़ना नसीब था, और वो इतनी दूर हो गया जितना करीब था। वाह 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 वाह। मिलना था इत्तेफाक। प्रधान जी बातें ना करें, तवज्जो चाहती हूँ, ये गजल बड़े ही दिल से मैं पेश कर रही हूँ, तो जरा गौर से एक एक इसका एक एक शेर सुनिएगा। कहना है कि मिलना था इत्तेफाक, बिछड़ना नसीब था, और वो इतनी दूर हो गया जितना करीब करीब था, और मैं उसको देखने को तरसती ही रह गई, मैं उसको देखने को तरसती ही रह गई, जिस शख्स की हथेली में मेरा नसीब था, और दफना दिया गया मुझे चांदी की कब्र में। दफना दिया गया मुझे चांदी की कब्र में, मैं जिसको चाहती थी वो साथी गरीब था, और वो लोग जो वहाँ पे आतिश परस्त थे। अरे क्या गाने। वो लोग जो वहाँ पे आतिश परस्त थे, चाचा घर मेरा जल रहा था, समंदर करीब था, घर मेरा शुक्रिया। इससे पहले वाला ये दोबारा से फरमाइश है शेर की। बहुत सारे नमाज से नवाजा, हौसला अफजाई, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह गजल में दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का। गजल तो वो भी कहते हैं कौन, गजल तो वो भी कहते हैं जिन्हें उर्दू नहीं आती, मगर कागज के फूलों में कभी खुशबू नहीं आती। गजल तो वो भी कहते हैं जिन्हें उर्दू नहीं आती, मगर कागज के फूलों में कभी खुशबू नहीं आती। और मोहब्बत का असर दिल से तेरे कब हो गया शायद, मोहब्बत का असर दिल से तेरे कब हो गया शायद, तेरी बातों में पहले की तरह खुशबू नहीं आती। तेरी बातों में पहले की तरह खुशबू नहीं आती, खुशबू नहीं आती। लेकिन न पूछ कैसे पलों से गुजर रही हूँ मैं। शेर सुनना चाचा और प्रधान जी, आप भी और आप भी जिन्होंने मोहब्बत की है, किसी से भी मोहब्बत की है, तवज्जो कि ना पूछ कैसे पलों से गुजर रही हूँ मैं, और इसे ना जीना समझ यार मर रही हूँ मैं। फिरोज भाई ने ना पूछ कैसे पलों से गुजर रही हूँ मैं, और इसे ना जीना समझ यार मर रही हूँ मैं, और जुदाई तेरी सताती है लौट के आजा, जुदाई तेरी सताती है लौट के आजा, बहुत कमी तेरी महसूस कर रही हूँ मैं, बहुत कमी शुक्रिया हमारे प्रधान जी की भी जानिब से। चाचा न पूछ कैसे पलों से गुजर रही हूँ मैं, न पूछ कैसे पलों से गुजर रही हूँ मैं, और इसे ना जीना समझ यार मर रही हूँ मैं, और जुदाई तेरी सताती है लौट के आजा, जुदाई तेरी सताती
चाहती है लौट के आ जा, बहुत कमी तेरी महसूस कर रही हूँ मैं, बहुत कमी तेरी महसूस कर रही हूँ। लेकिन शेर सुनना, बहुत कमी तेरी महसूस कर रही हूँ मैं, हर जगह खुशी के बदले गम ना मिलेंगे। चाचा ये आपके लिए शेर मेरी तरफ से, आपके भी लिए प्रधान जी और आप सभी के लिए जो मोहब्बत करने वाले हैं जी। कहना है कि हर जगह खुशी के बदले गम ना मिलेंगे, और मोम के भी हर जगह सनम ना मिलेंगे, ना मिलेंगे। अरे जब चले जाएंगे हम तुमसे कहीं दूर, जब चले जाएंगे हम तुमसे कहीं दूर, चाचा मिल जाएंगे हम जैसे मगर हम ना मिलेंगे। मिल जाएंगे हम जैसे, हम जैसे मगर हम ना मिले। लेकिन ये शेर फिर उसके बाद वजन को मतलब दे रही हूँ, शेर सुनना कहना है और शेर की गहराई देखना। दिल दुखाकर आजमा कर या रुला कर छोड़ना, दिल दुखाकर आजमा कर या रुला कर छोड़ना, और हमने सीखा ही नहीं अपना बना कर छोड़ना। दिल दुखाकर आजमा कर या रुला कर छोड़ना, हमने सीखा ही नहीं अपना बना कर छोड़ना। चाचा बहुत दूर बैठे हो, यहाँ सामने आ जाओ तो बड़ा अच्छा। सामने आ जाओ, बच्चे की गुजारिश है, सामने आ जाओ, गर्दन में दर्द हो रूबरू। और आप भी प्रधान जी, आप भी जरा सामने चेयर रख ले, अब तो खाली है, तो जगह सारी सामने आ जाइए जरा। ये आप ही लोगों के लिए गजल में पढ़ रही हूँ, खास आप लोगों के लिए। गर्दन में दर्द हो लगा, घुमा दे कहा था घुमा में तुम्हारी तरफ। दिल दुखाकर आजमा कर या रुला कर छोड़ना, दिल दुखाकर आजमा कर या रुला कर छोड़ना, और हमने सीखा ही नहीं अपना बनाकर छोड़ना, छोड़ना। और ताकि दुनिया ये ना समझे हम में दूरी हो गई, ताकि दुनिया ये ना समझे हम में दूरी हो गई, साथ जब भी छोड़ना तो मुस्कुराकर छोड़ना, छोड़ना। और है तरीके, है तरीके और भी हमसे बिछड़ने के, मगर चाचा है तरीके और भी हमसे बिछड़ने के, मगर क्या जरूरी है कोई तोहमत लगाकर छोड़ना, छोड़ना। और तेल तेल के बदले लहू चाहे हमें देना पड़े, तेल के बदले लहू चाहे हमें देना पड़े, अरे अपनी फितरत है चरागों को चलाकर छोड़ना, अपनी फितरत है चरागों को जलाकर छोड़ना, चरागों को जलाकर छोड़ना। लेकिन हर तमन्ना कुचल गया कोई, खास तवज्जो चाहती हूँ और आप सभी से सुनिएगा। हर तमन्ना कुचल गया कोई, और सारा मौसम बदल गया कोई, हर तमन्ना कुचल गया कोई, और ये सारा मौसम बदल गया कोई, अब हमेशा उदास रहना है, अब हमेशा उदास रहना है, क्योंकि जिंदगी से निकल गया कोई, जिंदगी से निकल गया कोई, निकल गया को। तो गजल का मतलब पेश कर रही हूँ, खास तवज्जो जाती हूँ उसकी।